हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं, ये देखिए। तो मुझे आज भी जाना है हॉस्पिटल और फिजियोथेरेपी के लिए। तो मैंने खाना बना के रख लिया है, दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे है। ये मैंने दूध गर्म कर दिया है, इसमें मैंने दही भी रख दिया बनने के लिए। और नाश्ता भी मैंने बना के रख लिया है, यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं राजमा, इसके अंदर है। और अभी किचन क्लीन करनी बाकी है मेरी, तो फटाफट से किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद लूँगी शावर, क्योंकि 9:30 मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तब मैं 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचूँगी। आजकल ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो जगह जगह पे पुलिस वालों ने नाके लगा के रखे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कल भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तो 10 बजे से ऊपर टाइम हो गया था, तो फिर नंबर आने में टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि 9:30 या 9:40 पर यहाँ से निकल जाऊँगी, और तकरीबन सारे काम मैंने जो ज़रूरी ज़रूरी है वो कर लिए हैं। और ये सब काम जो है ये बोल रही है, तो शिल्पी बोल रही है मैं बाद में कर लूँगी, और मशीन वो बोल रही है मैं लगा लूँगी, वॉशिंग मशीन लगानी आज, तो उसने बोला मैं लगा दूँगी। तो ये सारे काम हो गए हैं, और बस अब मैं फटाफट किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करके फिर निकल जाऊँगी। तो चलिए करते हैं फटाफट ये काम। मैं सोचती हूँ ना कि बाहर जाने से पहले पहले ना जितना काम हो सके हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि आके ना थकान हो जाती है, तो काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। थोड़ा बहुत रेस्ट करो, उसके बाद चाय वगैरह पियो, फिर मन करता है कि कुछ काम करें घर का। तो मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके थोड़ा बहुत जो करके जाऊँ, तो फटाफट किचन क्लीन करती हूँ, फिर शावर लेती हूँ। मैंने किचन को भी पूरा क्लीन कर लिया है, और अभी चलते हैं। मुझे अपनी ड्रेस जो है उसको प्रेस करना है, तो पहले बाहर की लाइटें बंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर अपनी जो ड्रेस है उसको प्रेस करते हैं फटाफट, और फिर चलते हैं, क्योंकि 9:15 हो चुके हैं बहुत लेट हो गई हूँ मैं। तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा लूज़ वाला ड्रेस पहन के आना, तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया है, इसको ही प्रेस करूँगी, क्योंकि जब वो फिजियोथेरेपी करते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ी मुश्किल आती है उनको वो लगाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ी लूज़ वाली ड्रेस पहन के आना, तो मैंने सोचा ये अच्छा है, इसमें लोअर है, ये वाला पहन के जाती हूँ। और टाइम हो गया, 7 हो चुके हैं, अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सारे ही काम, बस शावर लेना और नाश्ता करना है मुझे वो करते हैं ना, उसके बाद तो काफ़ी आराम लगता है, लेकिन बाद में शाम तक तो हालत ख़राब हो जाती है फिर भी। तो हस्बैंड बोल रहे थे धीरे धीरे ही आराम होगा, एकदम से तो आराम नहीं होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आगे चलता है। अभी तो इस टाइम पे सुबह में काफ़ी दर्द हो जाती है, काफ़ी देर किचन में खड़ा रहना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा ही दर्द हो जाती है टांग में। मैं कोशिश करती हूँ कि कम वज़न लूँ उस पर, लेकिन ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, पूरा नाश्ता लंच वगैरह बनाना पड़ता है, तो काफ़ी देर लग जाती है किचन में। उसके बाद भी सारे काम आजकल तो खड़े खड़े ही करने पड़ते हैं, बैठने वाला काम तो बहुत ही कम हो गया है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि नीचे बैठूं, लेकिन आजकल तो बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। चलिए अब मैं कपड़े कर लेती हूँ अपने प्रेस, और फिर फटाफट निकलते हैं। तो 10 बज चुके हैं, और 10 बजे पहुंचना होता है, लेकिन तो आज काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि बारिश हो रही है। और नाश्ता भी नहीं किया मैंने आज, देखते आके करूँगी, थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊँगी आज तो, क्योंकि कार्ड वगैरह जो है सब कुछ बन चुका है मेरा।
सारा का सारा काम जो है मेरा खत्म हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया मैंने पूरे घर को। ये देखिए पूरा घर जो है बहुत अच्छे से साफ हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने क्लीनिंग करी है। आज मैंने विंडो भी साफ करी है ये वाली, और साथ में जाली वाली जो विंडो है ना वो भी मैंने साफ करी, बहुत अच्छे से बाहर दिखाई दे रहा है। ये वाला कांच वाला विंडो भी मैंने पूरा साफ कर दिया, और यहाँ पे भी सारी एकदम अच्छे से सफाई की है। सोफे वाली साइड जो है यहाँ पे भी, और डाइनिंग टेबल, फिश टैंक, तो जो ड्राइंग रूम है वो बहुत अच्छे से साफ हो चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे किचन तो मेरी वैसे हमेशा ही क्लीन रहती है, बेडरूम भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और वो देखिए वहाँ छुप के खड़ी है डेजी, उसको बाहर जाना है। रुको रुको मैं खोल के जाओ उसको उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर जाना होता है, पता नहीं क्या देखती है, हवा भी खाती है वो तो मेरी किचन जो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, ये देखिए पूरा। और जो बेडरूम है ये तो बहुत सुंदर है, बेडरूम भी मेरे एकदम बढ़िया से क्लीन है, सब बढ़िया से सफाई हो चुकी है। और अभी ना बेडरूम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत साफ़ सुथरे लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट वाले लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट वाली जो सेटिंग होती है ना वैसे वाली लग रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वहाँ पे एक बॉटल में इस तरह से फूल रखे हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला बेडरूम जो है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है। अभी टाइम हो गया 1:30, तो बस इसके बाद हम लंच करेंगे। और मैं सोच रही हूँ मैंने जिस दिन ये बेडरूम की जो जिस दिन मैंने अलमारी वगैरह चेंज करी थी ना, उस दिन मैंने जो मंदिर है उसको भी यहाँ से यहाँ पे रखा हुआ था, तो दूसरे वाले बेडरूम में मैंने इसको शिफ्ट किया है, तो अभी मैंने उसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं की है निकाल के पूरा, तो वो भी पूरी अच्छी तरह से सफाई करूँगी उसकी। तो देखती हूँ अगर आज टाइम लगेगा तो आज करूँगी, नहीं तो फिर किसी और दिन निकालती हूँ टाइम। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बाहर, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन पसीने अभी फिर से आ रहे हैं क्योंकि सुबह बारिश नहीं हुई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर भी हवा चल रही है। तो और हमारी डेजी यहाँ पे आके बैठ गई अभी ये बहुत शैतान बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा है, ये बहुत शैतान है, नहाने से तो इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, संडे वाले दिन तो इसकी पूरा दिन सो के बीतता है ना डेजू, है ना डेजी, पूरा दिन सो के गुजरता है। खाना खाएगी, खाना खाएगी, 1:30 हो गए, खाना खा लेते हैं अभी ना। डेजू को भूखू लगाए डेजू को, ओहो ये हमारी डेजी क्रेजी है, ये खाना खाएगी, थोड़ा सा खाना खाएगी, फिर उसके बाद नीनी करेगी, अभी नहीं सोना है, अभी खाना खाना है, ठीक है। पीछे 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 घूमती रहती है, आशीष भी लगा रही है अपनी क्लास। तो चलिए इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ, बाय बाय, थैंक यू।